केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक बिल को मंजूरी दी गई है जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। अब इस फैसले ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 4 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने का काम किया और एलजी को देने का काम किया है। अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं होगी। ये सभी फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र का फैसला संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहता है कि सिर्फ 3 मसलों को छोड़कर बाकी सभी निर्णय दिल्ली की राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद राज्य सरकार आगे का कदम उठाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।